तू अखियां में लाके तू नरे नरे आजा फिर रेल पाके निकरे ते मरता तू गल बड़ी करदा वे करके बखा जा नरे नरे आ तू आजा सोनिया डाउन डाउन I wanna see you wine like Rihanna get all up on the hum diggy diggy bum bum She burn it up like the summer She turn me on with a bum diggy diggy bum bum आज का व्लॉग मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैंने सारा काम कर दिया है। मेरे कपड़े वगैरह वॉश हो गए हैं, मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह वॉश करे थे, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी सारा गीला हो रखा है। और अभी कर रही हूँ मैं दिया के शूज़ वगैरह साफ़, जो कि वाइट कलर के हैं तो काफ़ी गंदे हो गए थे। तो गाइस यहाँ पर मेरे शूज़ वगैरह साफ़ हो गए हैं और वो छत पर मैं डाल आई हूँ। तो मैंने यहाँ पर वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने जो डाले थे मैं उनको अच्छी तरह से वॉश करके हाथों से साफ़ ज़्यादा करती हूँ, ताकि जहाँ पर ज़्यादा गंदगी हो वहाँ पर अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो अभी वॉशिंग मशीन चल रही थी तो मैंने जो भी कपड़े वगैरह डालने की जगह है रस्सी वगैरह उसको मैं खाली कर रही हूँ। और यहाँ पर कपड़ों को मैं अच्छी तरह से रगड़ के ड्रायर में डालती जा रही हूँ। ये कपड़े ज़्यादा थे तो एक बार में ड्राई नहीं हो रहे थे, तो आधे मैं अभी डाल दे रही हूँ, आधे बाद में डालने वाली थी। जिस दिन मशीन लगाते हैं उस दिन लाइट ज़्यादा आना जाना करती है, तो यहाँ पर मैंने आधे उसमें लगा दिए हैं, कपड़े डाल दिए हैं और आधे यहाँ पर मैंने छोड़ दिए हैं, मतलब सॉरी बाल्टी में लगा दिए हैं। और अभी मैंने साफ़ पानी डाल के वॉशिंग मशीन को धो दिया है और यहाँ पर मैं बाथरूम साफ़ कर रही हूँ। और जो कपड़े बाद में मुझे ड्राई करने थे वो कपड़े मैंने बाल्टी में रख दिए हैं, और मशीन के पीछे कुछ ज़्यादा गंदगी हो रही थी तो मैंने वहाँ पर साफ़ पानी डालकर उस गंदगी को साइड से मैं बाहर निकाल रही हूँ। और मशीन को खिसका कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी उसके पीछे काफ़ी सारी पॉलीथीन वगैरह धूल की वजह से, और मैं यहाँ पर वाइपर से सारा आंगन साफ़ कर दे रही हूँ और ताकि पोंछा अच्छी तरह साफ़ हो जाए। तो गाइज अभी हो रही है इवनिंग और मैं सिलाई सीख कर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो भी कपड़े मैंने डाले थे सुबह सूखने के लिए उन कपड़ों को मैं तह बनाकर अलमारी में रख रही हूँ। और दिया ने जस्ट अपने सारे हाथ वगैरह गीले कर लिए थे पानी से, तो मैं उसके कपड़े चेंज कर रही हूँ और दूसरे कपड़े उसको पहना रही हूँ, बट वो मना कर रही है कपड़े पहनने की, बोल रही थी नहीं मम्मी मुझे स्टाइल दिखानी है, तो इस वजह से वो कपड़े नहीं चेंज करा रही थी। तो मैंने उसके मतलब फोर्सेबल कपड़े उसके चेंज कर दिए हैं। और यहाँ पर अपनी साड़ी वगैरह जो मैं सिलाई सीखने जाती हूँ वो तय बना कर रख रही हूँ, और अपने हस्बैंड वगैरह के मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पर मेरी बेटी क्रीम लगा रही है बार बार अपने चेहरों पर, वो अपनी 5 रुपीज की फेयर एंड लवली क्रीम ले आई है और मान नहीं रही है, सारी लगा रही है यहाँ पर। हे गाइज गुड इवनिंग, और आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी मेरी तरह मस्त होने वाले हो और मस्त ही होंगे। और तो गाइस देखिए अभी पीछे मेरे पीछे कौन बैठा है, दिया जैन, और देखिए ये देखिए मेरा चश्मा लगा लिया है इसने बहुत परेशान करती है। और अभी पता है ऐसे अब तो गंदी गंदी बातें करना सीख गई है ये गंदी लड़की ना, ये देखिए उल्टा लगाया है वो भी चश्मा भी तो गाइस अभी हो रहा है समय शाम के 7 बज रहे हैं और मेरा सारा काम फिनिश हो गया है, और जस्ट मैंने अभी सिलाई सीख कर आई थी, वो गए थे वो शादी में गई थी तो मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी। और हाँ मुझे ना कुछ बोलना था, कुछ लोग मेरे से बोलेंगे मैं हर बार कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलती हूँ, तो मैं आज अपने नेगेटिव नहीं बोलूँगी, मैं अपने आज बोलने वाली हूँ अपने सिस्टर के बारे में। जैसे कि सब लोग जानते हैं उसको इंडियन मोमेंट बेबी ट्रू भी मेरी सिस्टर का चैनल है, तो गाइज उसके लिए लोग इतने गंदे गंदे वीडियोस बना रहे हैं और इतना कुछ कुछ बोल रहे हैं। और एक तो ऐसे यूट्यूबर है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि उसके तो मैं जितनी भी मतलब एक वाहियात वर्ड भी उसके लिए मतलब
वायब वर्ड की इंसर्ट है, अगर मैं उसके लिए ये चीज़ यूज़ करूँ तो। वो इतनी बेकार यूट्यूबर है, वो तो मेरे सिस्टर के पीछे ही पड़ी हुई है, जब देखो तब मेरी सिस्टर के लिए वीडियोस बनाती रहती है, जब देखो तब। यार आप लोगों को वीडियो बनानी है तो आप उसके लिए अच्छी वीडियो बनाओ, वो वाकई में दिल की बहुत अच्छी है। वो आप लोग खुद सोचिए एक बात, वो मेरे चाचा जी की बेटी है, ठीक है। वो आजकल इंसान सगी बहन को प्यार नहीं करती, मतलब एक रियल सिस्टर को प्यार नहीं करती, ऐसा जमाना है। और वो मेरी चाची की बेटी होकर मेरे को इतना प्यार करती है, मेरी इतनी हेल्प करती है, हम लोग एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, इतनी हेल्प करते हैं एक दूसरे के लिए। और उसके बाद हाँ वही, और तो उस पर भी लोगों को जलन है, ठीक है। और उसके बारे में गंदा गंदा बोलते हैं, तो आप ये सोचिए जब वो मेरी हेल्प कर रही है, ठीक है, मेरी सिस्टर है, मुझे प्यार करती है। हम आज इस ज़माने में एक दूसरे को, इंसान एक दूसरे से देख के जलता है, मतलब घर घर के लोग घर से जलते हैं, भाई भाई से जलता है, पापा बेटे से जलता है, बेटा बेटी से जलती है, बहन भाई से जलती है, इस तरह का ज़माना है। और उस पर तो यूट्यूबर तो ऐसे होते हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई भी किसी की नहीं हेल्प करता। मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड है, मैं जल्दी ही उसका नाम बोलूँगी, और बहुत अच्छी है, उसने खुद से अपना नाम लेने के लिए मना कर रही है, इस वजह से मैं नहीं बोल रही हूँ। बहुत अच्छी है, हम डेली बात करते हैं एक एक घंटे, और वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, और वो मुझे सजेशन देती है, तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। उसका जल्दी से चैनल मोनिटाइज होने वाला है, मतलब रिव्यू में जा चुका है, भगवान उसका जल्दी से चैनल मोनिटाइज हो जाए, मुझे बहुत खुशी होगी कि। और मेरी फ्रेंड का चैनल मोनिटाइज हो गया, देखिए क्या हो रहा है पीछे, मतलब ऐसे बच्चों से तो भगवान ही बचाए यार, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। देखिए देखो ये चश्मा कहाँ लग रहा है इसके, ये देखो बालों में चश्मा लग रहा है, और ये देखो क्रीम कहाँ लग रही है, पूरी बोरो प्लस। और पता है 5 रुपये की फेयर एंड लवली लेके आई अपने लिए अलग, ये कह रही थी मम्मा मैं अलग अपना मेकअप बॉक्स अलग बनाऊंगी, इसमें काजल लिपस्टिक और क्रीम रखा करूंगी। तो उसका मेकअप बॉक्स की एक तैयारी हो गई है, तो उसकी क्रीम आ चुकी है, काजल आता रहेगा। ये देखिए नुकसान करता है, सब लोग मना करेंगे आपको। नहीं मैम गंदी बात। अच्छा गुड़गल बनो, हाय करो। देखो फिर सब लोग क्या कहेंगे, दिया गंदी बाबू है आपके लिए, वो कल इसके लिए, सब लोग है ना जो जो दिया को प्यार करता है ना, वो दिया के लिए कल चॉकलेट भेजेगा बड़ी वाली, ठीक है, सब लोग भेजना मेरे घर पे, ठीक है। दिया बोल दिया है सबसे, सब भेजेंगे आपको। कितनी सारी चॉकलेट आएंगी आप पर? 5 चॉकलेट चाहिए उसको, ठीक है ठीक है। आप चलो बैठ जाओ, कह देना। नहीं बेटा पापा चिल्लाएंगे मम्मी पर भी, तो पता है गाइस उसके बाद। और यूट्यूब पर था, मैं यूट्यूब पर थी ना, आपका चश्मा भी दे रही हूँ। तो जहाँ पर एक दूसरे इंसान यूट्यूब पर तो एक दूसरे की हेल्प नहीं करता, आप कोई भी यूट्यूबर देख लीजिए, अब कितनी भी बड़े बड़े यूट्यूबरों से आप हेल्प मांगेंगी ना, वो कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई भी नहीं करने वाला। और उसके बाद यहाँ पर वो मेरी सिस्टर, उसका कोई इतना बड़ा चैनल नहीं है, फिर भी वो मेरी हेल्प कर रही है, ठीक है। तो यार आप लोग सोचिए वो कितनी अच्छी होगी दिल की, सोचिए आप वो कितनी अच्छी होगी दिल की, तो वो मेरी हेल्प कर रही है, तो आप लोग उस पर इतना ब्लेम कर रहे हो, इतना गंदा गंदा बोल रहे हो। एक तो महान चैनल है जिसकी तारीफ करूँ उतनी कम है, वो तो सब हाँ सबके चैनलों में सिर्फ कमियाँ ही निकालता है। पता है संदीप महेश्वरी ने एक बात बोली थी कि हमें इंसान की बुराई यानी अच्छाइयों से कुछ सीख लेनी चाहिए, लेकिन वो बंदा तो कहाँ पर है उठाओ, तो वो बंदा तो वो बंदी है सॉरी लड़की है, वो कोई भी अपनी बाई फेस वीडियो नहीं बनाती है, सिर्फ दूसरों के चैनल पर कमियां निकालती है। और उस पर एक जो मेरी सिस्टर से सबसे ज्यादा जलती है वो यूट्यूबर, वो उस पर जाकर जरूर कमेंट करती है, जरूर कमेंट करेगी और जरूर बोलेगी जाकर। और उसके बाद हाँ तो वो ये कहती है ये लोग व्यूज पाने के लिए कर रहे हो, तुम किसके लिए कर रही हो भाई, तुम भी तो व्यूज पाने के लिए कर रही हो, तुम तो सभी यूट्यूबरों का नाम ले रही हो, और इतनी हिम्मत है तो अब भाई फेस करो ना बात आकर, क्यों अपना फेस छुपा कर बात कर रही हो, मतलब तुम्हारा फेस दिखाने लायक भी नहीं है, इतना बेकार काम करा है तुमने कि तुम्हारा फेस दिखाने के लिए नहीं है। तो अगर ये मेरी वीडियो वो लोग देखें तो प्लीज़ यार मेरी सिस्टर को परेशान करना बंद करो,
ये लास्ट वार्निंग है आपकी, हद होती है यार, उसको इतना परेशान किया जा रहा है यार। और मेरे स्वीट से सब्सक्राइबर जो मुझसे प्यारा प्यारा बोलते हैं, और जो नहीं भी बोलते तब भी मैं उनको पॉजिटिवली रिप्लाई देती हूँ और प्यार से ही बोलती हूँ, और जो लोग बोलते हैं तो उनके लिए लव यू लॉट्स ऑफ लव, और आई ऑलवेज लव यू, आई ऑलवेज विद यू। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, चलती हूँ, बाय बाय, लव यू ऑल। बोलो बाय मौसी, बाय मामा, चलो अरे बाय करो, बाय करो, बाय करो, तेल देखा है मौसी ने, देखा है तो बोलो बाय मौसी, मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छा बोलो मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, वाह दिया गिर गया।